तूने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अरे बाबा, गांव में बैलों की रेस का आगाज होने वाला होगा, हर तरफ रौनक ही रौनक होगी बाबा, और मैं यहाँ बैठा आंसू बहा रहा हूँ बाबा। अरे बाबा कुछ तो बोल, इतनी देर से मैं तेरे से बातें किए चला जा रहा हूँ। अरे बाबा, जब गांव में रेस होती थी ना बैलों की, तो तेरा बच्चू जीतता था और तेरा ही बच्चू सिर्फ हीरो होता था बाबा। हाँ, और इस वक्त गांव के बच्चे बच्चे के मुंह पे ना सिर्फ एक ही नाम होता, बच्चू बच्चू बच्चू। और देख मेरी गांव, यहाँ पे जो ना कोई नाम लेने वाला भी नहीं है बच्चू। अरे बाबा, लगता है किसी ने आवाज दी है, मैं आता हूँ बाबा, देखूं किसने बुलाया है। बच्चू कहाँ चला गया सुबह। ये लीजिए मैडम, ये चाय आपके लिए। बच्चू भाई, क्या आप रो रहे? अरे नहीं बाबा, मैं तो नहीं रो रहा हूँ बाबा। ये आपके चेहरे पे इतने मोटे मोटे आंसू। अरे बाबा, ये वो बाहर बैठा था ना बाबा, तो गर्मी की वजह से पसीना आ रहा है। बहुत 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 बुरे लगते हैं आप झूठ बोलते हुए, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मुझे लगता है गांव की बहुत याद आ रही है ना बच्चू भाई। बाबा, मुझे गांव बहुत याद आ रहा है, वहाँ जो ना कल बैलों की रेस होनी है बाबा, हर दफा मैं नंबर वन आता था बाबा, क्या रौनक होती थी बाबा, क्या मजा आता था। बैल रेसे? आप बैल तो नहीं है लेकिन गधे। अरे बाबा, बैल खुद थोड़ी भागता है, उसको भगाना पड़ता है, और मैं भगाता था। पर बच्चू, ये तो बड़ा खतरनाक गेम है, इसमें तो इंसान की जान भी जा सकती है। वो कैसे मैडम? भाई अगर कोई बंदा बैल से गिर जाए तो पीछे से आने वाले बैल के पैरों में वो रौंदा जाएगा। अरे क्या हो गया बाबा तुम लोगों को, बंदा कैसे गिरेगा, हम लोग माहिर लोग हैं बाबा, हम नहीं गिरते हैं। लेकिन बच्चू भाई, अगर बैल गिर जाए तो? कैसी बातें कर रहे हैं, बैल कैसे गिर सकता है? मुझे ये समझ नहीं आ रही सब में आप रो क्यों रहे हैं। अरे बाबा, मैं वहाँ हीरो था, हर बंदा मेरे नाम के नारे लगाता था बाबा, नारे, और यहाँ तुम लोग अजीब अजीब से सवाल कर रहे हो। अरे कैसी बातें कर दी आपने, मैं बंदे ले आऊंगा, वो आपके पीछे दिन रात नारे लगाते रहेंगे। अरे बाबा, मैं इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ, जो मेरे नाम के नारे लगाते रहेंगे। तो फिर किस बात का रोना है भाई? अरे बाबा, बेकार है तुम दोनों को कुछ भी बताना बाबा, यहाँ दोनों लोग सुनते नहीं है बाबा। मैडम जी, गाँव में रेस क्या है? बैल की रेस होती है गांव में, होती है। हां, जस्ट बातें क्यों हो रही है? अरे बाबा, अरे जरी ना बच्चू, किधर हो बाबा? अरे किधर हो तुम लोग? बाबा कहीं, अरे बाबा कहीं, अरे क्या हो गया बच्चू, क्या हो गया? इतना जज्बाती मैंने तुम्हें कभी पहले नहीं देखा बाबा। बाबा सही, मुझे गांव की याद आ रही थी और आप आ गए। अरे बाबा, गांव की याद? पहले बैठ जाओ फिर पूछता हूँ तुमसे। मुझे पता है क्यों याद आ रही थी तेरे को कोई। अरे बाबा, कैसे पता है, बताए बताए। अरे बाबा, मैं तेरा बाप, बाप उड़े तेरा। लेकिन बाबा सही, आपको कैसे पता? रेस की वजह से आ रही थी ना याद। लेकिन बाबा सही, आप रेस छोड़कर ही शहर क्यों आ गए हैं? बाबा बात सुनो, इस मर्तबा मैंने एक फैसला किया है कि रेस जो है ना, अब मैं वो शहर में कराऊंगा। क्या वाकई सच? बाबा साहिब। बाबा, कैसी है मेरी बेटी? मैं ठीक ठाक, बिल्कुल पहले से भी ज्यादा खूबसूरत। बताया जरीना, बाबा सही ने फैसला किया है कि वो रेस जो है ना शहर में करवाएंगे। सच्ची? हाँ बाबा। अच्छा एक बात और भी मैं बता दूं आप लोगों को, कि उस रेस में जो नंबर वन आएगा, जो जीतेगा ना, उससे तेरी शादी कराऊंगा।
वाकई? बाबा साईं अगर अदा उस रेस में हिस्सा लेगा तो भला फिर मेरा क्या होगा? वो चांदी हो नंबर वन पे आ गया तो मेरे को तो उससे शादी करनी पड़ जाएगी। ना पापा ना, मैं नहीं करती शादी बादी उससे। अरे बाबा वो जो है चांदी इतना खूबसूरत नौजवान गबरू जवान है, उसे तुम शादी क्यों नहीं करोगी? बाबा ठहरे तो सुनो, दो कत्ल करके बैठा हुआ है, उधर जाके पत्नी जन्नकी की पत्नी किसकी बेटी को अगवा करके लेके चले गए, तभी मेरे पीछे पड़ जाएगा। और तुम्हें और कोई नहीं मिला, मेरी शादी करा दो, मेरे बाप है तो दुश्मन, किसी डाकू से मेरी शादी कराने में तुला, ये मेरा बाप है। बाबा मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोचा है, तुम खामखा क्यों परेशान होती? परेशान ना हो। अरे बाबा चुप करो, वो बाद में देख लेंगे। बाबा साहिब मैं रेस की तैयारी करूं। आ जाओ जाओ, लेकिन बात सुनो, नाक ना कटवा देना मेरी ना। बाबा साहिब पहले कभी कटवाई है क्या? ऐसा तो नहीं है, लेकिन क्या पता बाबा, बुराई कभी पूछ के तो नहीं आती ना। बाबा देखो तुम फिक्र ना करो, बस फिक्र नहीं करो, सब सही हो जाएगा। फिक्र ना क्या, जे की छोकरे जी शादी कराई थी ना जड़ी माई सा, इन के भुगते भुगते सा जो ला निकरी व्यान, अरे मुजी शादी में लाए के सा करा जो रक्षो तो ते मुक ना आए करनी। चांदियो 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 रोई चुती खा मका बस मार, ये तू चांदी आती है कल दूसरे ना, बस कर वही रहो। बच्चू और बैलगाड़ी की रेस, नहीं 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 क्या नया अजाब आ गया है, हाय लोग क्या कहेंगे, कितनी बदनामी होगी, लोग कहेंगे हाय 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 कि सीमा के शौहर तो बैल भगा रहे हैं। नहीं 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 ऐसे तो नहीं होने दे सकती, किस तरह रोकूं मैं? शो को रेस में हिस्सा लेने से कैसे? अरे बाबा तुम क्यों फिक्र करती हो, वो नहीं जीतेगा। अरे नहीं जीतेगा बाबा, अदाज आई के होते हुए भला कोई और कैसे जीत सकता है, देख लेना हो गई मेरी शादी। हो गई तेरी शादी? अरे बाबा तु... अरे बाबा सही? हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, तुम कैसी हो, ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक बाबा, आपके क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। अब बाबा साईं सुना है कि इस बार बैलों की रेस शहर में हो रही है। हाँ बेटा, बस वो क्या है कि इस मरतबा हमने सोचा है कि कोई नई चीज कर ले हम लोग। अच्छा तो बाबा साईं मेरे पास ना एक आइडिया है। अच्छा वो क्या आइडिया है? अपने मशवरे ना तुम अपने पास ही रखो, खुदा का वास्ता है। हाँ तुम बोलो तुम बोलो। बाबा साई मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम लोग बच्चों को जज बना दें। ओहो संभालो खुद को जानी, तुम क्या हो गया तुम्हें? तो बाबा साई मैं कह रही थी क्यों ना हम बच्चों को जज बना दें। कर रही है? अरे बाबा बच्चू मैट्रिक पास भी नहीं है, वो कुतवाल बनने के काबिल भी नहीं है, और तुम कह रही हो वो जज बना। मैंने पहले ही आपको कहा था ये चरी है। ओहो ये मेरा मतलब नहीं है जरीना, बाबा साईं मेरे कहने का मतलब ये था कि देखिए बच्चू तो साला साल से रेस जीतता आ रहा है, तो वो तो चैंपियन हुआ ना, तो अब जो चैंपियन है वो नए जीतने वालों को अपने हाथ से इनाम दे, कैसा? अरे नहीं बेटा नहीं, बच्चू रेस में हिस्सा लेगा, देखो अगर बच्चू ने हिस्सा नहीं लिया ना तो चांडियो का बेटा जीत जाएगा, और मुझे यकीन है कि बच्चू हिस्सा लेगा तो नंबर वन आएगा आएगा आएगा। पहले तो आप कह रहे थे कि वो नहीं जीतेगा, अभी आप इसको कह रहे कि जीतेगा, अगर अदा जीत गया तो भला फिर मेरी शादी कैसे होगी? तो जरीना मैं यही तो कहना चाह रही हूँ, देखिए हम बच्चों को बना देते हैं जज, क्योंकि इस बार जो रेस में जीतेगा आप जरीना से उसकी शादी कराएंगे ना, तो हम क्यों ना किसी ऐसे आदमी को भेजें रेस में जो रेस जीते ही जीते। बस तो पापा फिर मैंने भी कह दिया ना, जानी रेस में हिस्सा जरूर लेगा। हाँ बेटा बिल्कुल भाई, कोई तो हमारे घर से जो है ना रेस में हिस्सा तो ले। बस तो फिर डन हो गया, जानी तुम रेस में हिस्सा ले रहे हो। मैडम जी क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रहे, तुम रेस में हिस्सा लोगे जानी। बस तो फिर तय हो गया, जानी रेस में हिस्सा लेगा। हाँ भाई बस हमारे घर में से कोई तो रेस में हिस्सा लेगा ना। हाँ ठीक है बस तय हो गया। ओके ओके जानी तुम जीत जाओगे, तय हो गया। हाँ जाए। अरे बाबा इसमें तो खंड ही नहीं है। अच्छा मैं लेकर आती हूँ भला। चलो आज ऐसे पी लेते। खट्टा मीठा खट्टा मीठा
महंगाई, तौबा 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 भाई। मैडम कहाँ फंसा दिया आपने मुझे? ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं ही मिला था आप लोगों को। ऐसा क्या हो गया? बैल की रेस, मैं कभी बैल के करीब नहीं गया। आप कह रहे हो उसके ऊपर बैठ के रेस में हिस्सा लूं और उसको भगाऊं, तौबा। ओहो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात? बच्चों तो तुम्हें पता है हर साल रेस में हिस्सा लेता है। अरे वो गांव के आदमी है, मैं शहर का बंदा हूँ। वो जो भी हो, अब रेस में तो तुम्हें लाजमी हिस्सा लेना पड़ेगा, कुछ हो नहीं सकता। खुदा के लिए मुझे बचा। नहीं बचा सकती। क्यों? क्योंकि अगर तुम हिस्सा नहीं लोगे तो बच्चों को हिस्सा लेना पड़ेगा। अब मैं नहीं चाहती कि लोग कहें कि मेरा शौहर जो है वो बैल बना रहा है। अच्छा, यानी बलि का बकरा मुझे बना रहे हैं आप? मैंने थोड़ी तुम्हें बनाया बलि का बकरा, वो तो जरीना ने बनाया। हाँ, ये भी ठीक कहा आपने। तो चलो जाओ, तुम तैयारी करो रेस की। देखना तुम ना जीत जाओगे। जीतना? मुझे तो डर इस बात का कि बैल के कदमों के नीचे आके मैं कुछ ना जाऊं। ओहो, ऐसे कुछ नहीं होगा। क्या औरतों की तरह अजीब अजीब बातें सोचे जा रहे हो? चलो जाओ यहाँ से, तुम चलो रेस लगा के जाओ। गरीब आदमी हो मोलादाद और बच्चू आए तो कहना रेस चाहे गांव में हो या शहर में, जीतूंगा मैं ही। मैं बोल दूंगा भाई। क्या बोलोगे? जीतूंगा मैं ही। अबे तू नहीं, मैं जीतूंगा मैं। वही वही वही, आप जीतोगे आप। ठीक है, अच्छा है वो यहाँ नहीं है, वरना अभी बता देता हूँ उनको। उठ जा, जा रहा हूँ मैं। क्या चीज है यार, ये तो बड़ा बदमाश आदमी है। शुगर है, चल गया। कहाँ गधे और भैंसों में मैं फंसा हूँ। इंशाल्लाह ठीक है, फिर मैं बता दूंगी उसको। सही? हाँ हाँ, मैं तुम्हारे को फोन करती हूँ, रुको। ओहो, तो तुम यहाँ डर कर मुझसे खड़ी हो? डरती है मेरी ज्योति तुझसे। सुना है तेरे बाबा ने मेरे खौफ से शहर में रेस रखी है। तेरे खौफ से? तेरे को जलील होने से बचाने के लिए रखी है। तू कुछ भी कर ले, तेरी शादी मुझसे ही होगी। शिकिल डिठी दी, तुमसे शादी करने से बेहतर है कि मैं नींद की गोलियां खा के मर जाऊं। मरने की क्या जरूरत है, पहले शादी तो हो जाए। मैं कभी भी तुझसे शादी नहीं करूंगी, देख लेना। रेस में जानी ही जीतेगा और मैं जानी से शादी करूंगी। ये कौन है जिसको तू जानी कह रही है? अरे बाबा जानी उसका नाम है। ये जानी नाम का बंदा मुझे कहाँ मिलेगा? अरे जानी अंदर है, जाके मिलना है तो मिल लो उससे। अंदर है, अभी देखता हूँ उसको। जा जा मिलो, बड़े कोई चांदी और चांदी बने हुए हो ना, डरता नहीं है, चल अंदर। अंदर देखता हूँ कि कौन किससे डरता है। ए हल्लेता, अबे ये जानी। आया चांदी और चांदी और चांदी जानी, कारो मुंह थी तुझे चांदी। है रोज साफ करता हूँ, फिर पता नहीं कहाँ से गंद आ जाती है इतनी। यहाँ जानी कौन है भाई? मुझे क्या बताओ, मैं तो खुद ढूंढ रहा हूँ उसको। अबे तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ नौकर हो। जी हाँ। तो तुम्हें ये नहीं पता कि इस घर में जानी कौन है? भाई मुझे एक हफ्ता हुआ यहाँ काम करते हुए, लेकिन मैंने सुना है जानी बड़ा खतरनाक है, सब उससे डरते, लेकिन मैंने देखा नहीं उसको। डरते क्यों है उससे? खतरनाक तरीन बंदा है वो। हाँ, हर वक्त पिस्टल जेब में होती है उसके। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ फिर। जानी जानी जानी, मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ, तुम आ क्यों नहीं रहे काम के लिए? क्या हो गया तुम्हें? और ये बदमाश कौन है यहाँ पे? बदमाश पहले तुझसे निमटना पड़ेगा। अच्छा तो तुम हो जानी? नहीं, वो तो प्यार से बोलती है जानी, मैं थोड़ी हूँ। गधा समझ रखा है तूने? भाई समझने की क्या जरूरत है? रो क्यों रहा है? भाई इस घर में इतने जुल्म हो रहे हैं मेरे पे, हर बात बात पे मुझसे काम लिया जा रहा है। एक काम करो, मार दो मुझे, एक ही दफा मार दो मुझे। रो नहीं, रो नहीं, जा रहा हूं मैं। चेक करो भाई की एक्टिंग कूट कूट के भरी हुई है। जानी तुम्हें कब से बुला रहे हैं, तुम आ नहीं रहे हो काम करने के लिए? उसका असर तो नहीं आ गया आप पे? चलो काम पे, कोई तके की इज्जत नहीं है मेरी यार। खट्टा मीठा, खट्टा मीठा।
अरे बाबा ये क्या बात है, तुम लोग क्यों ऐसे परेशान बैठे हुए, ठीक तो है? वो आया था। अरे बाबा कौन आया था? चांडियो जूनियर। अरे वो गधा यहाँ कैसे आ गया? चाकू लेके आया था, मैं तो अंदर भाग गई थी बैठ के। और हाँ धमकियां भी देके गया, कह रहा है रेस भी जीतेगा और जरीना से शादी भी करेगा। अरे बाबा उसकी इतनी मजा लगी, हमारे घर आए बच्चों के घर। अदा वो चांदियो आया था और वो मुझसे शादी की बातें कर रहा था। अरे बाबा जानी ये मेरे हाथ से मारा जाएगा, बाबा जानी मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं बच्चों नहीं, देखो कल की रेस में हमारा जानी जो है ना इसका जवाब उसको जीत कर देगा। अच्छा मगर मैं कैसे जीत सकता हूँ? अरे अरे बिल्कुल जीत सकता है, आपको पता है जानी ना हमारा चैंपियन है, चैंपियन। अच्छा बाबा ये तो पहले बताया ही नहीं था, मुझे खुद आज पता चला। अरे बाबा मेरे को तो यकीन है हमारा जानी उस चांदियों को मुंह तोड़ जवाब देगा। ऐसा ना हो कि मैं अपना मुंह तोड़वा के आ जाऊं। बाबा घबराने की कोई बात नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ बोलता है ना। बाबा जानी मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं रेस में हिस्सा लूं और उस चांदियों के बच्चे को बताऊं। अरे बाबा जब चांदियों के बच्चे हैं तो भला उसको शादी करने की क्या जरूरत है? अरे बाबा इसका मतलब है कि उसको मैं बताऊं, उसका बदला लूं बाबा उसने जो किया है। लेकिन बच्चों मैंने तो अपनी शहर की सारी दोस्तों को बता दिया है कि कल आप वहाँ पे रेस नहीं कर रहे बल्कि आप जज हैं वहाँ पे, वो सब आएंगे आपसे मिलने, मेरा क्या मुंह रह जाएगा फिर? बाबा देखो हमारा बेटा अभी जज बना ही नहीं, लोगों से मिलने भी आ रहे। बाबा समझ नहीं आ रहा है मुझे कि मैं खुश हूँ या उदास। अरे बाबा मेरे लिए तो खुशी का मौका है क्योंकि मेरा आधा जज बनेगा और मेरा जानी रेस खेलेगा। मेरा जानी का क्या मतलब हुआ जरीना? मेरा मतलब है कि बाबा हम सब का जानी। बाबा देखो जानी अब ये तय हो गया है कि रेस में तुम हिस्सा लोगे और उसको जीतोगे भी, क्योंकि ये हमारी इज्जत का सवाल है। मेरी तो जिंदगी और मौत का सवाल है। क्या कहा बाबा तुमने? कुछ नहीं। बाबा ये जानी किधर रह गया है? वो तैयार हो रहा होगा ना अभी। अरे बाबा जानी किधर रह गया है, तुम जल्दी आ जाओ बाबा। सर बहुत डर लग रहा है। अरे बाबा तुम बच्चा है जो तुम्हें डर लग रहा है? अरे बाबा इसमें डरने की क्या बात है, देखो मैं तस्वीर पढ़ रहा हूँ तुम्हारी जीत के लिए, हम है ना तेरे साथ, तुम्हें जीतना है बाबा। सर मैं कोशिश कर सकता हूँ। अब कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं, मैं बता रही हूँ जीत कर आना है। ओ, तुम फिक्र ना करो, ये ना सुनो कैसे तंग कर रहे, ये तो चैंपियन है, देखिए अगर इसमें जीत के आएगा। मुझे कुछ हो जाए ना तो इनको पकड़िएगा। अब चल आप लोग निकले ना, निकलते क्यों नहीं, चले चले। अच्छा बाबा चलो चलो, वो मुझे मिलना भी तो है मेहमानों से। कौन से मेहमान? अरे बाबा आपने कल जिनका जिक्र किया था उनसे। वो हाँ तो आप लोग निकले ना, वो वही मिलेंगे, आप अभी तो जाइए, चलिए चलिए। अरे भाई मुझे भी कोई उठाओ। आओ जानी चलो बाबा चलो, तुम तो चल ही नहीं रहे, बैल पे कैसे बैठेगा? पता नहीं क्या बना होगा, कौन जीता कौन हारा। एक तो कोई फोन भी नहीं उठा रहा ना कि बंदा पता कर ले। जोन की आवाज बुला कर सुन रही है ना, मुझे लगता है लोग जीत गए। अरे ये लो अपने पैसे, मेहरबानी चलो। अरे बच्चों ये, अरे बाबा हम जीत गए। बाबा जानी ने हमारी लाज रख ली है। जानी आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अरे भाई मुझे भी तो कोई ले जाए साहब। वाह जानी वाह। पानी कोई पानी पिला दे इस कप में या यखनी पिला दे। लाती हूँ बाबा लाती हूँ। अरे बाबा तुम इधर क्यों आ गए हो, तुम तो हार गए ना। अरे बाबा निकलो हमारे घर से। मैं यहाँ जानी से बात करने आया हूँ। यार तुमने जो मुझे कहानी सुनाई ना, मैं घर जाके बहुत सोचा, मैंने सोचा कि अगर मैं हार जाता हूं तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी, इसलिए आखिरी लम्हे मैंने अपने बैल को आहिस्ता कर लिया और तुम जीत गए। अब जरीना से शादी भी तुम्हारी होगी और तुम इस घर के मालिक बन जाओगे। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा तो ये तुमने जानबूझ के ये हरकत की है? हाँ बाबा
ये मुझे नहीं चाहिए। ये रहा तुम्हारा कप और ये रही जरीना। मैंने कोई शादी वादी नहीं करनी है। अरे जाने कुत्तों ने बाबू गुल को खाना नहीं दिया। बर्तन देखें, नजर नहीं आ रहा आपको? इसमें दो बन, कप चाय का, सब छुड़क गए। अब बाबू खाना खाया तो है तुमने? मीडियम, ये तो बर्गर है, कोई रोटी तो नहीं है, ये तो सादा बर्गर है, इसमें तो कबाब भी नहीं था। दोस्ती ऐसे थोड़ी होती है। तो भला पापा कैसे करते हैं दोस्ती? दोस्ती करने के लिए क्या किताब छपी है कि इसके तरीकों पर अमल करें? बाबू को लोगों तो फिर मैं क्या करूं? या क्या करने आए हो? अब सीमा बीबी का ड्राइवर है। सीमा मैडम घर पे नहीं है, चलो जाओ यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो। तुम हमारा बात सुनो, ये तो हम पूछ रहे मैडम किधर है। ये क्या बात हुई? मैडम अगवा हो गए। अगवा हो गए? अरे बाबा चोर चोर पकड़ लिया चोर। अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? तुम अपनी मैडम का बैग चोरी करता है। हाँ बाबा क्या? अच्छा अच्छा बाबा, हाँ बाबा हमारी बेगम है बाबा। सीमा क्या बात कर रहे हैं? अगवा इम्प्रोवाइज़ नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा। जोनो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी। नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा